नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसपीएन 9 न्यूज। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती के उत्तराधिकारी और बसपा नेता आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर आकाश आनंद ने दावा किया है कि मायावती के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। एक पोस्ट में आकाश ने लिखा, साथियों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस बीएसपी और बहनजी के खिलाफ बड़ी साजिश कर रहे हैं। आकाश ने लिखा, पहली साजिश हमारे मूवमेंट को खत्म करने के लिए मनुवादी मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि बीएसपी कांग्रेस को समर्थन दे दे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि बहनजी किसी के दबाव में नहीं आती। उनका एकमात्र उद्देश्य दलित समाज को राजनीतिक ताकत बनाना है। बसपा नेता ने दावा किया कि दूसरी साजिश कुछ चमचे नेताओं द्वारा फैलाई जा रही है कि बहन जी संन्यास ले रही हैं ताकि बहुजन आंदोलन के प्रति लोगों को भ्रमित किया जा सके। आपको बता दें, यहां पर आकाश आनंद ने लिखा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर बहन जी ने मनुवादी पूंजीवादी साजिशों को जवाब दे दिया है। बीएसपी ना कांग्रेस का एजेंडा कामयाब होने देगी और ना देश को भाजपा के फ्री राशन और धर्म की चाशनी का गुलाम बनने देगी। तो यहाँ बड़ा हमला जो है सभी पार्टियों पर आकाश आनंद ने मारा है। और साथ ही आगे वो लिखते हैं कि बहन जी हमेशा कहती रही, दलित, शोषित, वंचित समाज के हक और सम्मान के लिए वो आखिरी सांस तक लड़ेंगी। मेहनत कस देशवासियों के स्वाभिमान और आर्थिक स्वतंत्रता की इस लड़ाई में हम सभी को दिलो जान से आदरणीय बहन जी और बीएसपी को मजबूत करना है और पूरी ताकत से लड़ना है। आपको बता दें, यहाँ पर लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और लगातार ये कवायद चल रही है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती इंडिया अलायंस के साथ जुड़े, लेकिन वो इंडिया अलायंस के साथ जुड़ने के लिए मना कर चुकी है और लगातार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर हमले कर रही है। और अब यहाँ पर एक बड़ी साजिश का खुलासा आकाश आनंद ने किया है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।